तो हम कोरबा की, जहां 3 दिनों की कोल इंडिया की हड़ताल शुरू हो गई है और कमर्शियल माइनिंग को लेकर कोल इंडिया की सभी खदानों में हड़ताल का असर देखा जा रहा है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। श्रमिक संगठन SECL की सभी परियोजनाओं में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए हैं और कोल सचिव और कोल मंत्री के साथ आयोजित बैठक बेनतीजा होने के बाद गुरुवार को 72 घंटों की हड़ताल शुरू हो गई है। संगठनों ने सरकार पर इस हड़ताल का असर न होने पर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। करने का साजिश है, अनकंपनी की रोक दिया गया है, ठेकेदारों को मजदूर का जो पेमेंट है एग्रीमेंट के अनुसार नहीं कर रहा है, ये सब मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल 2 से 4 तक का किया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है कमर्शियल माइनिंग का जो ऐलान किया है उससे जो वो पीछे हटे, नहीं तो जो है अभी 3 दिन का जो ये सांकेतिक हड़ताल होगा, पर सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटती है तो आने वाले समय में एक लंबी और असरदार हड़ताल होगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज।